Hello my friends, welcome to Adda 247 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested and very important session for the PNB SO credit officer aspirants. जी हाँ, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ the syllabus of प्रोफेशनल नॉलेज। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आर सेशन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आर अड्डा 247 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री मिल जाता है इस ऐप के थ्रू। एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है, एंड वो मिलता है जब आप कोड यूज करते हैं Y581। और डिस्काउंट के साथ अगर आपको डबल वैलिडिटी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो दोस्तों आपको पता है कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो देखिए हमें ध्यान सिर्फ हमारी वैलेंटाइन हमारी किताब होनी चाहिए, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो अपने सिलेक्शन को अपना वैलेंटाइन बनाइए विद डबल वैलिडिटी ऑन ऑल दी महापैक्स। सभी महापैक्स पे यहाँ पे डबल वैलिडिटी मिल रही है। ये जो ऑफर है ये आज 12 बजे शाम 6 बजे से ही स्टार्ट हो चुका है। सो दोस्तों डू नॉट मिस आउट दी अपॉर्चुनिटी, यूज़ देम वाइजली। डबल वैलिडिटी को यूज़ करके मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं through enrolling in the महापैक using the code Y581। चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट रिक्वेस्ट और है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज सिलेबस की। तो आपके सिलेबस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। एक पार्ट हो जाएगा अकाउंटिंग वाला पार्ट, एक पार्ट हो जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, ये 2 पार्ट रहेंगे। तो हमने अपना जो कोर्स है, हम उस कोर्स में भी इसी तरह से आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको अकाउंटिंग वाला पार्ट जो एक मेजर पार्ट है, क्योंकि देखिए क्रेडिट ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज, इन सब का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेजर पोर्शन वुड बी अकाउंटिंग, बट कहीं ना कहीं स्टैटिक बैंकिंग एंड बैंकिंग अवेयरनेस, क्रेडिट रिलेटेड टर्मोलॉजीज, लोन रिकवरी मैकेनिज्म, टाइप ऑफ NPAs, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी समझ में आना चाहिए। तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कोर्स में ये वाला पार्ट निहारिका मैम कवर करवाने वाली हैं, ये वाला पार्ट मैं कवर करवाने वाला हूं, बट यहाँ पे सिलेबस के तौर पे मैं आपको दोनों ही चीज़ें डिकोड करके दूंगा। तो अकाउंटेंसी में अगर हम बात करें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो अपने को आने चाहिए, रीड करने आने चाहिए। तो वो सारा एनालिसिस ऑफ वी कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, फंड फ्लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे आना चाहिए। देन रेशियो एनालिसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेरिवेटिव्स, इसके अलावा अगर हम बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे की जाती है, लेवरेजेस। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके सिलेबस का पार्ट हो जाती हैं। तो दिस इज जस्ट एन इंडिकेटिव सिलेबस जो यहाँ पे मैंने लिखा है। कुछ इस तरह से हमारी क्लासेस भी होंगी अकाउंटेंसी की। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको क्या क्या करना है? आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम करना है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? 4 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला पार्ट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी कवर होते हैं। बैंकिंग में आपके अगर हम देखें तो टाइप ऑफ बैंक्स एंड ऑल, इवन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी हम इसके अंदर ही कवर कर लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट हो जाते हैं, वो अपने को कवर करने होंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो वो सारा अपने को आना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बॉन्ड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें यूज करके फंड्स को चैनलाइज करते हैं, तो वो अपने को आइडिया हो। देन देयर इज फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन एंड ऑल, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पूरा आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें देयर आर फ्यू कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग जो हमें स्पेसिफिकली करने हैं। लाइक अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के अलावा NPA रिकवरी मैकेनिज्म, एनपीए रिकवरी मैकेनिज्म जैसे मैं बोलूं दे रहा है सार्फाइसी एक्ट, देर इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, दे रहा लोक अदालत, तो वो अपने को एनपीए रिकवरी मैकेनिज्म अपने को पता होना चाहिए। देन दे आर सर्टेन लीगल एक्ट्स जो अपने को थोड़ा सा आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वैसे वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा एक अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आरबीआई सर्कुलर जरूर करने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स लगभग एक साल की कवरेज यहाँ पे अपने को करनी है। उसके अलावा सर्टेन स्कीम्स रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, सर्टेन स्कीम्स रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज पीआईबी वेबसाइट, सॉरी नॉट पीआईबी, नॉट पीआईबी, पीएनबी वेबसाइट, पंजाब नेशनल बैंक वेबसाइट। बेसिकली वेबसाइट्स का पर्पस ये है कि पीएनबी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, पीएनबी की थोड़ी सी हिस्ट्री क्या रही है, तो पीएनबी के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए। तो वो पीएनबी वेबसाइट्स को भी थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो इंटरव्यू में तो ये काम आने वाला है, पीएनबी से की हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो तब आपको काम आएगा। तो इसलिए पीएनबी की वेबसाइट भी करना ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जो पीएनबी की वेबसाइट पर चैट बॉट है उसका नाम क्या है, तो क्वेश्चन बन सकता है पीहू। तो इस तरह से एक थोड़ा सा रफ आइडिया अपने को होना चाहिए। तो ये सारा सिलेबस आपका बनता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में। तो दोनों ये टॉपिक्स मिलके आपकी कहलाते हैं प्रोफेशनल नॉलेज। तो इसके बारे में आपको डिटेल्ड कवरेज, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे, अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो अराउंड 30-35 क्वेश्चंस वुड बी डायरेक्टली फ्रॉम दिस। यहाँ पे स्पेशली फाइनेंशियल रेशियोज से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, लास्ट टाइम तो अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से भी न्यूमेरिकल्स आए थे जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों, उसकी टेंशन मत लेना। तो मतलब ये आपको देखना होगा कि न्यूमेरिकल्स पे अच्छा एम्फेसिस रहने वाला है और इसीलिए ये पोर्शन को आप बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर लेके चले। बाकी ये पोर्शन तो थियोरेटिकल है, ये बहुत आराम से हम जल्दी कवर कर लेंगे। तो फोकस यहाँ पे क्लैरिटी वाइज, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाइज, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ पे ला सकते हैं। बहुत डिफिकल्टी एग्जाम नहीं रहने वाला है, कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। ओवर द ईयर्स हमने देखी है, कट ऑफ के रिगार्डिंग में एक सेपरेट सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो नो वरीज अबाउट दैट। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो दोस्तों ये टॉपिक्स हैं, एक बार मैं सामने से हट जाता हूँ, आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। दीज आर इंडिकेटिव, ठीक है, ये नहीं कि ये पूरा एग्जॉस्टिव सिलेबस है कि बस इतना ही कर लिया तो बन जाएगा, लेकिन इतना भी कर लिया तो भी बात बन जाएगी, इतना भी कर लिया तो भी बात बन जाएगी। लेकिन इसके अलावा हम अपने पेड क्लास में इससे ज़्यादा कंटेंट कवर करवाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा मतलब अगर मैं बात करूं पेड कंटेंट को थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट रखते हैं फ्री कंटेंट से। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया पीएनबी एसओ प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या करना है। तो फ्री एस्पिरेंट्स के लिए ये देखो इंडिकेटिव टॉपिक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो। अगर इतना भी कर गए तो बहुत बहुत मोर देन सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको इससे बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो पेड कोर्स के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप अगर हमारी अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों तो रेगुलेटरी सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पे आपको पीएनबी एसओ का बैच मिल जाएगा। पीएनबी एसओ दिस इज आवर बैच। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड प्लस लाइव क्लासेस, कुछ सेक्शंस हमारे रिकॉर्डेड हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बिकॉज दे आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, तो वो यहाँ पे रिकॉर्डेड है। बाकी प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो एंटायरली लाइव एनवायरमेंट में आपको कवर कराई जाएगी, ठीक है। मैं और निहारिका मैम कंप्लीट लाइव एनवायरमेंट में उस पोर्शन को कवर कराएंगे। अब इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन के सामने में अभी कोड लिखा आ रहा था लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ, Y581, Y581। तो जो प्राइस आपकी अभी भी 2499 दिख रही है दोस्तों, ये प्राइस और भी कम हो जाएगी, इट विल बी अराउंड 2300। लेकिन ये भी पे नहीं करनी, अगर आप ऐप के थ्रू बाई करोगे तो प्राइसेस विल फॉल फर्दर, इट विल बी अराउंड 2200। तो अपने मैक्सिमम पैसे को सेव कीजिए, डू नॉट वेस्ट एनी सिंगल पेनी, एनरोल विद द मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ऑफरिंग फ्रॉम अड्डा 247। सो दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम रिगार्डिंग दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर रिलेटेड टू पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर एग्जामिनेशन। इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं समाप्त। एक बार और बता देता हूँ, अगर कोर्स में एनरोल करना है दोस्तों तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। इसी के साथ कक्षा करते हैं समाप्त, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।